आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना। इस स्विच बोर्ड के अंदर हमने दो सॉकेट लिए हैं, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और ये पांच स्विचेज हैं। तो ये दो सॉकेट लगी हुई हैं इनके, ये इस सॉकेट का ये वाला स्विच है, इस सॉकेट का ये वाला स्विच है। इस फैन रेगुलेटर के साथ हम इस स्विच को ऑपरेट करेंगे और ये जो दो स्विच है इनके साथ हम दो लाइटों को कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कि दो लाइट के लिए ये स्विच हो जाएंगे और एक ये इंडिकेटर जो कि बोर्ड के अंदर बताएगा कि पावर है या नहीं है। तो आप यहाँ पे एक बोर्ड की वायरिंग करना सीखने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीछे से हमने इनको बिल्कुल इस मॉड्यूलर सीट के अंदर फिट कर लिया है। यहाँ पे एक फैन रेगुलेटर है, तीन स्विच ये है, दो स्विच ये है, एक इंडिकेटर है और एक सॉकेट, और एक सॉकेट ये है। तो इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है आप यहाँ पे ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर फेज वायर और न्यूट्रल वायर, जो फेज वायर होती है वो सारे के सारे स्विच के थ्रू होके सबको सप्लाई मिलती है, और जो न्यूट्रल होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत होती है वो डायरेक्ट कंपोनेंट यानी कि इक्विपमेंट में चली जाती है। मान लेते हैं ये इंडिकेटर है तो इसके अंदर डायरेक्टली न्यूट्रल चली जाएगी, और जैसे ये सॉकेट है तो इस सॉकेट के अंदर भी डायरेक्ट न्यूट्रल आएगी, ये सॉकेट है तो डायरेक्ट इसके अंदर भी न्यूट्रल आएगी। फैन रेगुलेटर के अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल की वायर की जरूरत नहीं पड़ती, फैन रेगुलेटर के अंदर सिर्फ फेज वायर की जरूरत पड़ती है, ये सीरीज में कनेक्शन होते हैं। और जो हाँ, जहाँ पे हमारा फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन छत पे लगा हुआ है, वहाँ पे न्यूट्रल वायर जाएगी, और जहाँ पे बल्ब होल्डर हमने लगा रखे हैं बल्ब के लिए, वहाँ पे न्यूट्रल वायर जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फेज और न्यूट्रल वायर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमने ये दो वायर ली हैं, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। इनमें से हम येलो कलर को हम न्यूट्रल वायर है और रेड कलर की है वो फेज वायर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूट्रल वायर आएगी उसको हम एक सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी एक सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट के अंदर कौन से पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल का पॉइंट ये एन लिखा हुआ है, जो सॉकेट के ऊपर एन लिखा होता है उस साइड हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं, और जहाँ पे L लिखा होता है वहाँ पे हम फेज वायर कनेक्ट करते हैं, और जहाँ पे ये अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है वहाँ पे हम ग्रीन वायर यानी कि अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग की हुई है तो आप यहाँ पे एक वायर ग्रीन की वायर यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे तीन जगह पे हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इस पे हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर लिया है, अभी हमें न्यूट्रल वायर को यहाँ पे भी देना है और इस इंडिकेटर में भी देना है। इंडिकेटर के ऑन करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वायर लेंगे जिससे कि वो वायर इंडिकेटर में भी चली जाए और इस सॉकेट में भी आ जाए और यहाँ से उठ के आए। तो हम क्या करेंगे, एक वायर को इस तरह से छील लेंगे, ठीक है, और इस वायर को यहाँ से इसको लूज करके इसी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, और जो ये लिंक बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको छील लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको छील लिया है ताकि ये जो टर्मिनल है ओपन ना रहे, इसको हमने इस वायर को इसके अंदर से निकाल लेना है। आप इसको कट करके भी लगा सकते हैं या इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इस जो हमने छील रखी थी इस वायर को इस तरह से टाइट करना है ताकि इसका जो कनेक्शन है वो अच्छे से प्रॉपर कनेक्शन हो जाए, कॉपर कनेक्टिंग हो जाए, ठीक। और इसको फिर अच्छे से टाइट कर लेना है, ये भी टाइट हो गया है। और जो ये वाली वायर बचती है फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के एक पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अभी न्यूट्रल की वायर इंडिकेटर में भी आ गई, इस सॉकेट में भी और इस सॉकेट में भी, दो तीनों के अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गई है। अभी बारी आती है फेज वायर की फ्रेंड्स। फेज वायर के लिए हम क्या करेंगे, सबके अंदर एक वायर का टुकड़ा लेंगे इस तरह से, ये वायर लिए हमने, इसको हम छील लेंगे, अच्छे से छील लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और इसको छील के यहाँ तक इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से, सबके अंदर नीचे वाले पॉइंट पे डाल देंगे हम इसको छील के। तो इसको छील लेते हैं पहले,
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये छील लिए वायर, ठीक है। और इस वायर को क्या करेंगे, इसकी जो ये तीनों पेच है, तीनों स्क्रू है, इनको लूज करके इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। साथ में हम इंडिकेटर के अंदर भी ले लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिकेटर में भी फेज वायर आती है, तो हम इंडिकेटर को बाद में लेंगे क्योंकि नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तीनों के अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें टाइट कर देना है। और फिर यहां से इसको कट लगा के इसको भी निकाल देना है। इसको निकाल के फ्रेंड्स जो इंडिकेटर का है कनेक्शन बचता है उसके अंदर इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, हमारे ये एक दो तीन और चार के अंदर टाइट हो गया है, लेकिन ये नीचे के दो स्विच बच गए हैं, तो हम यहाँ पे भी इसके दो स्विच के अंदर भी कनेक्ट करेंगे फेज वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ऊपर वाले के साथ एक पॉइंट पे जहाँ पे ये कॉमन आई हुई है, तो इसी के साथ इसको जोड़ देंगे। फ्रेंड्स इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अभी जो इसके दूसरा एंड बचता है ये, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इन दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स जो मेन इनकमिंग का सप्लाई आती है, फेज आता है, उसको भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ में जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको मेन इनकमिंग को जोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट कर देना अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये टाइट होने के बाद फिर हमें क्या करना है, दो वायर लेनी है फ्रेंड्स, दो वायर के टुकड़े लेने हैं। यहाँ से इस तरह से छील लेंगे इसको, और इसको इस वाले पॉइंट पे, जो ये सॉकेट का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे इसको। तो ये ऊपर के पॉइंट पे जुड़ गया यहाँ पे, और इसको यहाँ तक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ है, तो यानी कि ये यहाँ पे लाइन का वायर आएगा, फेज का वायर आएगा, तो यहाँ से फेज मिलने वाला है स्विच के थ्रू। तो ये यहाँ पे कट करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और एक वायर और लेंगे, उसको हम दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, ऐसे जुड़ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे एल वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, ये एल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल वाले पॉइंट पे इस तरह से वायर को नाप के कट करेंगे और यहाँ पे इसको ज्वाइंट लगा देंगे, ठीक है। अभी ये कनेक्शन हो गया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स फैन रेगुलेटर की। फैन रेगुलेटर के अंदर फ्रेंड्स दो वायर होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, जो स्विच के साइड है उस वायर को हम लेंगे। किसी रेगुलेटर के अंदर टर्मिनल भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वायर है, तो दो वायरों में से एक वायर लेंगे और एक वायर को छील के स्विच, जो फैन का स्विच है, उसके ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। ये जुड़ गया फ्रेंड्स। अभी क्या है, ये एक वायर बच गया, ये ठीक है, एक ये वायर बच गया है, और एक स्विच ये और एक स्विच ये जाएंगे लाइटों के लिए, जहाँ पे हमारी लाइट लगने वाली है। तो वहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक वायर लेंगे इस तरह से, ये वायर हमने ले ली मान लो, ठीक है, इस वायर को इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ दिया हमने यहाँ पे। और ये जो स्विच का बल्ब जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ तक हमने मेजरमेंट करके मान लेते हैं, यहाँ पे एक ये एक होल्डर लगा हुआ है, ये ठीक है, ये लाइट लगी हुई है, इस तक माप के हमने ये कट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ये इसके लिए हो गया। और एक होल्डर और है, ये एक लाइट ये है, यहाँ तक हमने एक वायर और कट कर लेनी है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है इसके ऊपर वाले स्विच में,
ठीक है फ्रेंड्स, और ये चला जाएगा यहाँ तक, इसके पॉइंट तक यहाँ से हमने कट कर लेनी है वायर, ठीक है। और दूसरा भी बारी आती है फैन रेगुलेटर के बारे में, ये एक फैन रेगुलेटर का वायर है, यहाँ पे हम एक वायर जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे टेप लगा देनी है, सबसे पहले में जो खुला ज्वाइंट है उस पर टेप लगाते हुए चलना है, कोई भी खुला ज्वाइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हमने ये आपको सिखाने के लिए सब कर रहे हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और फ्रेंड्स जब जहाँ तक हमें फ़ैन, जब जहाँ हमारा फ़ैन लगा हुआ है वहाँ तक हमें मेजरमेंट करके इस वायर को कट कर देना है और इन वायर को हटा देना है। और यहाँ से फ्रेंड्स एक वायर न्यूट्रल की वायर चली जाएगी, तो हम एक ब्लैक कलर की वायर हमारे पास पड़ी है, इस वायर को हम एक न्यूट्रल की वायर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। न्यूट्रल की वायर कहाँ से मिलेगी हमें, न्यूट्रल वायर आपको पता है एक यहाँ पे आई थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से, जैसे कि ये की पॉइंट है, यहाँ से हम एक वायर जोड़ लेंगे इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ गई है और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे अच्छे से, और ये तीन वायर ये हो जाएंगे फ्रेंड्स, और एक ये न्यूट्रल की वायर ये साथ में चली जाएंगी स्विच बोर्ड के अंदर। और ये फेज न्यूट्रल की वायर है जो मेन इनकमिंग सप्लाई आई है। अभी हमें क्या करना है, इस स्विच बोर्ड को एक बॉक्स के अंदर टाइट कनेक्शन करना है। तो इस बॉक्स में कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, इस बॉक्स से जो पाइप जो बाहर निकलती है उस वायर को उसके अंदर से निकाल लेना है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से एक ये कनेक्शन है, यहाँ से पाइप निकल रही है, तो हम सब की सारी वायरों को इसके अंदर डाल देंगे, और तीन वायर जो ये अलग जाएंगी, जो फैन को दो लाइटों को, इनको भी हमने यहाँ से बाहर निकाल के फैन के अंदर लाइट के अंदर जोड़ लेनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से पेच के साथ टाइट कर देनी है फ्रेंड्स, इसको हम पेच के साथ टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये कनेक्शन हो जाएंगे फैन के। और हमने फेज और न्यूट्रल की जो वायर आई थी उनके अंदर फेज और न्यूट्रल दे देना है, और इनमें से जो तीन वायर हमने निकाली थी, एक में होल्डर कनेक्ट कर देना है, इस वाले में होल्डर कनेक्ट कर देंगे, और इसमें भी होल्डर कनेक्ट कर देंगे, और जो ये तीसरा वायर था इसमें हम फैन कर देंगे, और तीनों के तीनों के अंदर एक ब्लैक वायर के साथ लूप कनेक्शन कर देंगे, एक दोनों होल्डर के अंदर और फैन के अंदर कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से आप एक स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ और सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।